सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटिक नॉलेज। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन लाया हूँ, एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिससे आप क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकाल सकते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना चार्ज के, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको पता ही होगा जोमेटो ऐप के बारे में, जिससे फूड ऑर्डर करते हैं। आपको वो ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाके आपको जोमेटो सर्च करना है, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको दोस्तों रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद बताता हूँ। तो दोस्तों, रजिस्टर करने के बाद आप कुछ इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। आपको यूज़ करेंट लोकेशन पर क्लिक करना है, लोकेशन अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपने आपको अकाउंट बना लेना है इसका, और आपको दोस्तों यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यूपीआई, फ़ोनपे। तो दोस्तों आपको इसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों पेटीएम का ऑप्शन आएगा वॉलेट, तो आपको पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करना है। और पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पेटीएम वॉलेट इसमें ऐड कर लेना है। तो दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, OTP आ चुका है और हम पेटीएम वॉलेट को ऐड कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेटीएम वॉलेट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आपको पी डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको रिचार्ज वॉलेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों मैक्सिमम 10,000 पर मंथ कार्ड से निकाल सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो 10,000 रुपये मैक्सिमम। हर कार्ड पे अलग अलग है, आप 10,000 इस कार्ड से निकाल लो, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। आपको कोई चार्जेस, आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। दोस्तों आपको 100 रुपये सेलेक्ट करना है, प्रोसेस टू एड मनी पर क्लिक करना है। प्रोसेस टू एड मनी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। आपको अपनी डिटेल दे देनी है, एक्सपायरी MM, आपको कार्ड एक्सपायरी, CVV नंबर डाल के पे कर देना है। देखिए दोस्तों, आप पे करोगे आपको अपने वॉलेट में, आपको अपने पेटीएम वॉलेट पर जाना है। पेटीएम वॉलेट पर जाने के बाद आपको वॉलेट ऑप्शन पर जाना है। वॉलेट ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अमाउंट ऐड हो चुका होगा। आपको ऐड होने के बाद में आपको सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक करना है, सेकेंड नंबर के ऑप्शन पर। इस पर जाने के बाद आप जो अपने 100 रुपये अमाउंट है वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक में, वो भी बिना कोई चार्जेस के। देखिए दोस्तों, 0% चार्जेस लग रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।